शर्मा ने अपने पैतृक गांव सतपुरा में नवनिर्मित प्राचीन राधा कृष्ण शिव मंदिर के नए भवन और ऐच्छिक कोष से बनवाए सत्संग भवन का लोकार्पण कर जनता को समर्पित। इस मौके पर ग्रामीणों ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का उनके गांव में आने पर ढोल बाजे फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गाँव के बुजुर्गों से पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपने गाँव शहर और इलाके के गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोगों को अपने जीवन में दैनिक कार्यों के साथ साथ भगवान की भक्ति के लिए भी समय निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसार रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग कर भक्ति करनी चाहिए। इस मौके पर पहले परिवहन मंत्री ने अपने ऐच्छिक कोष से बनवाए हुए भव्य सत्संग भवन का लोकार्पण किया और मंदिर में पंडित सुंदरलाल द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि आज गांव में भव्य सत्संग भवन बनकर तैयार हुआ है। वहां उनका सपना था। उन्होंने कहा कि गांव में सत्संग भवन निर्माण के लिए उनके पिताश्री स्वर्गीय मिठन लाल जी से किया हुआ वायदा आज गाँव वासियों के सहयोग से पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा सरकार सभी 36 बिरादरी के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सभी को सामाजिक धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ चलकर हिस्सा लेना चाहिए और जैसे रामायण में गिलहरी का योगदान राम सेतु बनाने में रहा, उसी प्रकार धार्मिक स्थल बनाने के लिए सभी को अपना योगदान देना चाहिए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी इलाके के लोगों का गांव सदुपुरा में पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन किया। उसके बाद गांव में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। सारे गांव के प्रयास से ये मंदिर भोलेनाथ का जो मंदिर बना है और मनोकामना गांव ने बहुत लंबे समय से लोगों की छाती मंदिर हो उसका निर्माण हो और मंदिर का निर्माण करें। आज का काम पूरा तो नहीं पर आज इसका मुहूर्त हुआ है तो आने वाले समय में पूरा बनकर तैयार होगा और लोगों को इसको लाभ। मेरा अपना पैतृक गांव है, मैं जन्मा उस गांव में और गांव से दिशा देने की इस गांव से मिली है। जो जन्म भूमि होती है कर्म भूमि, जन्म और कर्म, कर्म भूमि मेरी बल्लभगढ़ क्षेत्र ही है, जन्म भूमि मेरा सतपुरा रहा है। कर्म और जन्म दोनों पे कार्य करने चाहिए, समय मिले तो सब पे करने चाहिए और जहाँ जन्म भूमि हो उसको सुंदर बनाना भी हमारा धर्म। अपने गांव के लोगों का पूरा सहयोग गांव के लोगों का है। मैं तो इनके गिलहरी बनके गिलहरी के रूप में मैंने काम करा है और सारे गांव के लोगों ने करा है और मैं तो गिलहरी के रूप में काम किया है भगवान के चलते।